2024 कैप्रिकोन लग्न मकर लग्न। देखिए 10 फरवरी से 3 मार्च तक का जो आपके साथ धोखाधड़ी था, हो सकता है फैमिली का किसी का धोखाधड़ी हो, भाई बहन के लिए कुछ पैसे के लिए झगड़े की बात हो, वो सब बाय बाय हो गया इस महीने में। इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 15 तारीख तक का टाइम है, ये आपको रिलीजियस सफर करवा देगा, आप रिलीजियस हो जाएंगे, आपके हाथ से कोई धर्म कार्य भी हो जाएगा। और स्टूडेंट के लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है, टेक द एडवांटेज। अगर आप विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, 15 तारीख तक पूरी मेहनत एड़ी छोटी का जोर लगा दो 27 फरवरी से। और अगर आप बड़े हैं, जॉब पर है, 16 मार्च से आपको काम धंधे में आपके बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लास्ट 2 वीक्स में कोई नया बिजनेस प्रपोजल भी आ सकता है। दोज हु आर डूइंग जॉब, उनके लिए तो 7, 8, 9, 15, 16, 17 मार्च विल बी द बेस्ट। उस दिन में अपॉइंटमेंट करिएगा, आपकी कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो भी सकती है, बड़ी मीटिंग हो सकती है। बिजनेसमैन के लिए ये सेम डेट है, बट एक तारीख और मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। आपको इस महीने में जॉब करते हैं तो देखिए 13-14 तारीख, या बिजनेस करते हैं अपना धंधा, काम धंधे की कोई चीजें पेंडिंग नहीं रखिएगा 13-14 को। 29, 30, 31 को आप छोटी मोटी कोई फैशनेबल चीज के पीछे हो सकता है, कोई अच्छी चीज के लिए खर्च हो जाए तो करिएगा, बट मतलब ये हो सकता है मौज मजा पार्टी दोस्तों के साथ करनी पड़े बिजनेसमैनों को। बट जो नौकरी करते हैं तो 29, 30, 31 को छोटे मोटे वाद विवाद में नहीं पड़ जाइएगा, नहीं तो आपके लेने के देने हो जाएंगे काम धंधे में, मतलब विवाद में नहीं पड़िएगा। हेल्थ के लिए 6, 9, 10, 16 एंड 17 यू हैव टू बी केयरफुल, उम्र बड़ी है उनके लिए, छोटी उम्र है, उनको कोई बीमारी होती नहीं 30-40 तक, तो 40 तक कोई ऐसा इश्यू होता ही नहीं। स्टूडेंट के लिए आई विल से अगेन, पहले 15 दिन मिरेकल है ये मान के चलिएगा, उसमें भी पर्टिकुलरली 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17 एंड 26, 27 एंड 28 विल बी द बेस्ट टाइम। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस डेट्स, प्यार करते हैं उनके लिए 26, 27, 28 बेस्ट है। मैरिज के लिए इस महीने में कोई बहुत बड़ा चांस मिल जाए ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। दोज हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, उनके लिए 10, 11, 12 तारीख है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। 18, 19, 20 मनी फ्लो है आप पर, मतलब शेयर बेचकर बाहर निकल जाना हो, कोई प्रॉपर्टी को क्लियर कर देना हो, तो 18, 19, 20 अच्छा टाइम। 26, 27 एंड 28 मार्च टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अब देखिए लग्न का मंगल है, कोई प्रॉपर्टी का कार्य भी करवा सकता है, नया घर लेने के चक्कर में है तो देखिए अप्रैल तक मोहर मार देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें भी कोई प्रॉपर्टी का कार्य करना हो तो बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तब केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बुध के साथ राहु नीच राशि के बुध के साथ राहु भ्रमण कर रहा है, तो केयरफुल रहिएगा। पड़ोस में कोई बदनाम करेगा या भाई बहन आपके बारे में नेगेटिव कमेंट देंगे, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।